नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका सिंह, रांची झारखंड से। और सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ नेटवर्क चैनल को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने अपनी बातों को शेयर करने के लिए मुझे आज बुलाया। और मेरा प्रोफेशन है, मैं मॉडल, एक्ट्रेस, फैशन डिज़ाइनर और सोशल एक्टिविटीज़ हूँ। और मुझे भी काफ़ी खुशी है कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, नेशनल लेवल पे भी अवार्ड मैंने लिए हैं। और मेरा जर्नी रांची टू मुंबई रहा है। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं मुंबई में अचीव करूं अवार्ड, और मुझे वो अवार्ड थ्रू द सेलिब्रिटी के थ्रू मिले, जो कि ये पॉसिबल हुआ है। और 2019 दिसंबर मंथ में मेरे को मुंबई ग्लोबल अवार्ड मिला, जिसकी खुशी काफ़ी हुई और मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि मैंने जो भी मेहनत किया वो रंग लाई। मेरा शुरू से ही एम रहा है रांची झारखंड के साथ, और मैं इस मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मेरा जो प्रोफेशन है फैशन डिज़ाइनिंग का, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, उसके साथ ही मेरी जॉब बैंगलोर एचआर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में हुई। और तो मैंने कुछ टाइम वो किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा जो मेहनत है, वर्क है, वो मल्टीटास्किंग वर्क है, तो मैं एक जगह सीमित रह के वो काम करना मेरे लिए सही नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने एरिया रांची झारखंड के लिए ही रहकर उसमें कुछ ना कुछ काम अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी, और मल्टीटास्क वर्क जो है वो मैं कर सकती हूँ। और इसके साथ ही मेरे को समाज सेवा करने का भी बहुत शौक़ है, और खाली टाइम में मैं समाज सेवा भी करती हूँ, और इसमें मेरी बहुत ही रुचि है। समाज सेवा में मैं रूरल एरिया के जितने भी पुअर चाइल्ड हैं उन लोगों के लिए वर्क करती हूँ, जिनमें जो भी टैलेंट है और वो अपने टैलेंट को दिखला नहीं पाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो मैं वैसे युवा की सर्च करके उनको वो टैलेंट और वो मंच भी दिलवाती हूँ। और साथ ही ऐसे कई कलाकार हैं जिनको मैं मुंबई तक लेके गई हूँ, और वो अभी तक अपने पैर पे स्टैंड भी हुए हैं। और अच्छा लगता है कि कुछ आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, तो इसकी भी खुशी होती है। और उसके साथ ही मैंने सामाजिक कार्य को ध्यान में रखते हुए, अभी कोरोना काल जैसे कि चल रहा है, कोरोना आपका, आज हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, ऐसे में हमारा जो भी काम है वो ऑफलाइन जो होता था वो अभी रुक सा गया है। तो ऐसे में मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि नहीं, इस टाइम को भी हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। और ऐसे में हम लोगों ने डिज़ाइन वाले मास्क को बनाना स्टार्ट किया, और जितने भी रूरल और अर्बन एरिया के जो भी नीडेबल बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग स्पेशली ऑनलाइन माध्यम के थ्रू सिखलाते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो सीख कर कुछ अपने एरिया में वो कुछ अर्न कर सके, और कोरोना काल में भी वो अपने लिए और अपनी फैमिली का सपोर्ट बन सके। किसी भी सक्सेस के लिए ज़रूरी है सपोर्ट का, अपनों की सपोर्ट का। तो मेरे सक्सेस के लिए मेरे सपोर्टर थे मेरे फैमिली, मेरे मेंटर। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी मॉम को, जिन्होंने किडनी पेशेंट होते हुए भी मेरे को हमेशा उन्होंने इनकरेज किया है, सपोर्ट किया है, और मैं आज इस जगह पे हूँ तो वो सिर्फ मेरी मॉम की वजह से है। और यूथ को आगे बढ़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि यूथ जो है इंडिया के समान है, सपोर्टर हैं। हमें जो भी करना है वो फ्लुएंटली करना है, कॉन्फिडेंटली करना है। आपको जैसे जैसे सक्सेस मिलेगा, आप डे बाय डे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली होंगे, और आपको बहुत सारा अचीवमेंट मिलेगा। तो मुझे बहुत सारा अचीवमेंट मिला है, और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं इसे स्किप नहीं करना चाहती हूँ। और कुछ भी टैलेंट है आपका, उसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई को कभी भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो भी काम किया है पढ़ाई के साथ ही किया है, क्योंकि फैमिली का कहना था कि पढ़ाई को कभी स्किप नहीं करना है। तो मैंने पढ़ाई भी किया और अच्छे परसेंटेज भी लाए, और उसके साथ ही मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से जुड़ी, क्योंकि मेरी इसकी रुचि शुरू से ही थी।
मेरा देखते देखते फैशन में रुझान हुआ। मैंने पीजी की डिग्री ली और उसके साथ ही मैं कंप्यूटर ज्ञान, योगा, कराटे और उसके साथ ही फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया ताकि अपने आप को मल्टीटास्किंग बना सके, क्योंकि आज का जो टाइम है वो आपका मल्टीटास्किंग का ही है। आपको अगर एक चीज़ आता है और टाइम अगर आपका ख़राब रहता है इनफैक्ट, तो आप फिर रुक जाओगे। तो मेरा यही सोच था कि हमेशा आगे बढ़ना है और मल्टीटास्किंग वर्क करना है ताकि जिस सिचुएशन में आपको जिस जैसा वर्क चाहिए आप उस वर्क को आसानी से कर सकते हो। और जो भी रूरल डेवलपमेंट के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं और उनमें टैलेंट है, मेरा ये काम रहता है कि उनके टैलेंट को आगे लाना और उनको मंच दिलाना। और ये मंच जैसे कि प्रोग्राम होते हैं तो मैं उन लोगों को इनवाइट करती हूँ, बुलाती हूँ और सेलेक्ट करके उनके टैलेंट को सारे लोगों को दिखलाती हूँ, और उनमें से ही कुछ लोग जिनका टैलेंट सबसे अच्छा रहता है उनको और भी ऊंचा मंच भी मिलता है। और बेरोज़गार जो भी हैं उनको मैं शिक्षित करती हूँ ऑनलाइन। अभी तो ऑफलाइन करती थी लेकिन अभी कोरोना की वजह से ऑफलाइन को करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं ऑनलाइन वर्क पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जैसा टाइम रहेगा आपको वर्क उसी के हिसाब से करना है। तो अभी मैं मास्क डिज़ाइन कर आपका किस तरह से कोरोना काल से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को और कैसे अर्निंग कर सकते हो, और वो भी निःशुल्क मैं शिक्षा देती हूँ। और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं सबको मैं बतलाती हूँ, जो भी एजुकेटेड हैं या फिर नहीं हैं उन लोगों को सबको ज्ञान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मेरे साथ जुड़कर बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूथ आइकन हैं और मैं अचीवमेंट तो की हूँ और चाहती हूँ कि मैं और भी अचीवमेंट करूँ ताकि मैं अपने इंडिया के लिए, अपने झारखंड के लिए, स्पेशली मेरा जो सिटी है रांची के लिए, मैं उसके लिए भी कुछ कर सकूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। नारी ही आज के दुनिया की अभिमान है, और मैं भी नारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी जो भी यूथ है वो भी आगे आए और अपने टैलेंट को अपने तक ना रखे, वो भी दूसरे को दिखलाए अपने टैलेंट को, क्योंकि जब तक आप अपने टैलेंट को दिखलाओगे नहीं ना तब तक दूसरा लोग आपको आगे कभी नहीं बढ़ा सकता है। और सक्सेस होने के लिए आपको क्रिटिसाइज तो किया जाएगा, नो डाउट, और आप फेल भी होंगे, लेकिन जो फेलियर होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अगर बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो ज़रूर सक्सेस होते हैं। क्योंकि मैंने भी काफ़ी मेहनत किया, मुझे भी बहुत सारा जो टैग मिला है मिस झारखंड, मिस खादी, मिस मुंबई, मिस दिवा, तो ये सब पाना बहुत ईजी नहीं है, ये टफ है, लेकिन जो भी है हर एक चीज़ पॉसिबल है। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके परिश्रम पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने आप को जैसा बनाओगे आपको वैसा ही अचीवमेंट मिलेगा। तो मेरा जो अचीवमेंट है मुझे मिला है और मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ, और मेरे मॉम डैड बहुत ही प्राउड फील करते हैं मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करना कि वो सबसे अलग हो, क्योंकि भीड़ पर रह के काम करना और एक होता है अपना इमेज और अपनी आइडेंटिटी बनाना, बहुत ही डिफरेंट वर्क है। तो आपसे भी निवेदन है आप लोग अपनी आइडेंटिटी खुद से बनाएं, खुद के टैलेंट पे बनाएं और कुछ अलग करें जो कि आपको देगा एक नया मुकाम। और अपनी सोच बदलिए, युवाओं से यही कहना चाहूँगी, अपनी सोच बदलिए, अपने टैलेंट को दिखलाइए और अपने आप को, जो भी आपका गोल है, मेन एम है, उनको फोकस करिए, आपको उस पर सफलता ज़रूर मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।